ये देखने में ना इतना सुंदर लग रहा है हेलमेट, था वाइट में, और यहाँ पे दूसरा कलर है इसका, तो नॉट नहीं है, एक नॉट नहीं है भाई। गरम पंचर दिए है क्या है ना, और कुछ ना, और अब कॉन्टेक्ट है उधर पे क्या, अब कॉन्टेक्ट है उसके साथ। इंडिया में सब है, सबसे कम दाम में दे रहा बोले हाइड्रोलिक ब्रेक। हेलमेट बहुत सुंदर सुंदर हेलमेट है आपको, यहाँ सनी सनी लगा हुआ है मेरा जीवन में। हेलो दोस्तों, गाइस आपको भाई आ चुका है एक नए वीडियो के साथ। तो आप आज के यहाँ मौसम देख सकते हो कि मौसम को अच्छा बोलो कि खराब बोलो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। गर्म तो ऐसा गर्म आया ना, ऐसा पका दे रहा मतलब, और अच्छा बोलने से क्या है कि आज मेरा बाइक निकाल पाऊंगा है ना, तो वही अच्छा है। मगर ये जो गर्म है ना भाई, बाहर निकलने के लायक नहीं रखा हुआ है। तो आज मैंने हाथ पूरा कवर कर चुका हूँ, फूल वाला ये लगा चुका हूँ। तो आपको बता दो, लक खराब है ना। मैं सुबह सुबह मैंने फोन किया था सर्विस सेंटर में KTM का, फोन करके मैंने पूछा मैं आज आ जाऊँ बोल के है ना, क्योंकि आज मौसम ठीक है, बहुत दिन का आज मौसम ठीक है, दो दिन है धूप आया तो रास्ता पूरा क्लीन हो चुका है, मैं अभी आराम से बाइक निकल भी जाएगा, इसलिए मैं कल धो दिया था बाइक को है ना। तो फिर मैंने फोन किया सर्विस सेंटर में, तो उन लोग बोलता आज तो नहीं हो पाएगा, आज हाफ डे भी है, 2 बजे हम लोग अपना सर्विस सेंटर बंद कर देंगे, आप लोग मंडे को आना बोलता है। तो वही गैस परेशान हो चुका थर्ड सर्विसिंग को लेके। तो कुछ नहीं गैस, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलो हो गया। तो आपको बता दूं, आज मेरा बहुत ही ज़्यादा काम है, मुझे भी घर का ही जो मुगी घर है ना, इसका भी कुछ टैक्स जमा करना है बोलता है, उसको मैं जमा करने के लिए मुझे जाना है। मुझे मगर क्या है कि एड्रेस पता नहीं है, गूगल मैप में डाल के इसका मैं जाऊंगा। पहले बार तो भैया जाता था, नहीं तो पापा जाता था ना, घर पे कोई भी नहीं है तो मुझे जाना पड़ रहा है। तो मैं सोच रहा दार्जिलिंग तरफ चला जाऊं, ऐसा गर्म है ना, ऐसा गर्म है, देखो ना दार्जिलिंग जाने कितना मजा आएगा अभी। तो भी सोच रहा था मगर क्या करे, सर्विस सेंटिंग में मंडे ही चला गया, आज खत्म करूंगा सोचा था, वो भी नहीं हुआ। तो आपको बता दो, मेरा सैलरी आ चुका है ना, वो कितना आया थोड़ा देर में आपको बताऊंगा। आके उसी सैलरी से मैं सोच रहा हूँ एक जूसू लेने के लिए अपने के लिए है ना। चलो गाइस जल्दी सामान वामान लेते हैं ना, और मुझे अपने एक लंपेन नया लंपेन मैंने खरीदा था ना, उसको भी मैं थोड़ा ठीक करना, भी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ चेक करो, थोड़े दिन पहले मैंने नेट से लिया था ये लंपेन, चौड़ाई है ना ये कुछ ज्यादा हो गया, इसके हिसाब से मुझे ठीक करना है, जो लंपेन मेरे पास है। और अपना ये धुरी खजाने का पेपर, ये दो पेपर मुझे जमा करना है, पैसा दिया 1,010 रुपये लगेगा। यार घर से निकलने से पहले पूरा पसीना पसीना हो चुका है ना, क्या करेगा सर। अपना पूरा सब कुछ रेडी हो चुका, जूता तो लगा लिया मैंने, ये अपना बाइक देखो पूरा धुला के रखा हुआ, तो मैंने सर्विस सेंटर में ले जाऊंगा बोल के, अब मुझे क्या करेगा है ना। तो आज वो भी काम भी नहीं हुआ, तो निकलते अब। हो गया, तो मैं निकल चुका जाने के लिए, इतना गर्म है ना भाई, ये छोने में बहुत गर्म है, छो ही नहीं सक रहा इतना गर्म है, बाइक भी छो नहीं सक रहा। चलो बारिश नहीं आने से सिलगोरी का हालत खराब हो जाता है। थोड़ा कुछ काम है, पोस्ट ऑफिस में कुछ सामान लेना है। मुझको बाहों में भर लो ना। हो गया, तो अपने इधर काम हो गया, पोस्ट ऑफिस आया था मैं, थोड़ा बुक्स लेना था मेरी दीदी का। कुछ इस तरह से लोकेशन में पहुंच चुका हूँ, जंगल जंगल का लोकेशन है पूरा, इस साइड पूरा टी बगाने भाई, पत्थरगट्टे ग्राम पंचायत की तरह आगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना मुझे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे खुद ही पता नहीं है, सिर्फ चलते रह रहा, जितना आगे रास्ता मुझे दिख रहा है मेन रोड, तो मैं जाते रह रहा हूँ, कहाँ पहुँचूंगा किधर निकलूंगा कुछ पता नहीं है मुझे। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना निंदियों के राते हैं। मैं गरम पंचर दिए है क्या, हाँ तो कैसे है। यार काम ही नहीं हुआ आज भी, वो ऑफिस तो खुला हुआ है बोलता, आज तो नहीं होता है, मंडे टू फ्राइडे से होता है, आज कर लो बोला ना, नहीं होता मंडे टू फ्राइडे से ऑफिस खुलता बोला। अब सब कुछ मंडे को होने वाला है, तो संडे सब कुछ बंद है कल। चलो चलो मेरे को जाने का जगह देता भाई, ट्रक मेरे को आगे जाने दो, जाने दे जिससे कोई ठोकर मार के ना जाए भाई, ठोकर मार के तोड़ के चला जाए मुझे पता नहीं चलेगा है ना। ग्रे कलर पांच लोग
ओके गैस, तो मैं इधर आया था नोटिफिकेशन ऐप में, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग पसंद आता है आप लोग यहाँ से सुन ले लेना। ओके आप यहाँ चेक कर लो। हर ऐसा के माहेराना तिम्रो बोली को भाकै ना मा। तो गैस सब मेरे को था, मेरा काम तो नहीं हुआ, आज कोई काम नहीं हो रहा। सू ले लूँगा सो था, उसलिए आया था, वो भी नहीं हुआ। मुझे लग तो रहा था नहीं आया कि सू इधर पे, मैं वो चेक कर लेता सो रहा था, आ गया उसे लेके चला दूंगा ना। मेरे पास सू फट चुका है, देखो ना हालत ख़राब है गैस का मेरा। ये ऑफिस में फटा था ना गेम खेलने से मैं, उसके बाद वो ज़्यादा फटते फटते गया। चलो गैस चलते हैं भाई, बाहर आते ना इतना गर्म हवा आया ना भाई, डर गया मैं तो। क्या आया क्या हो गया बोल के, अंदर एसी था ना इसलिए बहुत ठंडा था, तो बाहर आते इतना खतरा से गर्म हुआ है हवा। ओके अपना बाइक उधर रखा हुआ मैंने, अच्छी करा तो निकलता हूँ अभी, जो भी काम के लिए आज आ रहा हूँ। आज हो नहीं पा रहा, आज सैटरडे है ना, खुद सनी सनी लगा हुआ है मेरा जीवन में, कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा जीवन में। चलो निकलते हैं भाई ना बाइक लेके, तो इस तरह से कुछ लोग ऐसे नहीं आ जाएगा। यहाँ ट्रेन का पटरी भी है, यहाँ थोड़ा देर में ट्रेन निकल गया, एक बजे तक निकलता है ट्रेन। गाइस मैं आया हूँ अभी थोड़ा मोटर बोर्ड एसेसरीज के उधर पे, बाइक का एसेसरीज के दुकान पे। हाथ का बोला था ना मैंने, हाथ में लगाने लगा वो मिल गया, तो यहाँ से लेके जाऊँगा सोच रहा हूँ। और हेलमेट तो बढ़िया लग रहा है भाई, हाथ सीखने में था। ओके गाइस आप यहाँ चेक कर सकते, इतना सा अच्छा हेलमेट आया इधर पे। तो मैंने यहाँ से ग्लव्स हाथ में लगाने के लिए लिया था, जिनमें तो हाथ को कवर करेगा, और इसका सस्ता वाला लिया मैंने। और मैंने भैया से ही पूछा हूँ इसका प्राइस, तो मुझे लेना था मोबाइल ऑर्डर करने के लिए, 350 में देने से लूँगा बोल के, तो भैया देने से ठीक है। तो आखिर भैया मान चुका है 350 में देने के लिए। गाइस आप लोग ये शॉप में आ जाना, मैं आपको नाम दिखा दूंगा, जो भी साल भर से देखते हो। अच्छा से भैया खुशी से प्रमोशन कर दे रहा भैया का है ना, तो भैया ने दाम 100 रुपया कम कर दिया, बहुत अच्छा है। मैं अगर शॉप में आना, आपको मैं हेलमेट दिखा चुका हूँ, हेलमेट बहुत सुंदर सुंदर हेलमेट है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। एक्सोर का हेलमेट जो मुझे भी लेना था मैंने, मगर अलग उसका लिया मैंने, कोटा का लिया हुआ ना हेलमेट, मगर एक्सोर का बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी अच्छा होता है एक्सोर का। तो मुझे ब्लैक लेना है, मुझे ब्लैक ऐसा एक हेलमेट में से लेना ही है, मैं ट्राई करूँगा कभी दिन यहाँ से आके लूँगा। ऐसे ये एक्सोर का हेलमेट चेक करो, सही देखने में अच्छा सुंदर लग रहा है हेलमेट, तो वाइट में, और यहाँ पे दूसरा कलर है हमें वाइट देखा, और इस में दूसरा कलर है, वाह सही डिफरेंट है। एक और वाइजर, एक और अंदर पे, और यहाँ पे वो वाइजर अप एंड डाउन कर सकते हो, वाह सुंदर लग रहा है देखने का। देखो ग्लव्स लेना आप लोग को, देखो मैंने यहाँ पे एक सर के लिए भी वो दिखा हुआ था, जो यहाँ पे सब लोग ब्लैक वाला लगाते हैं ना फुल कवर करने के लिए सर को, तो ये है रंगील वाला, मगर इसका प्राइस है 500 करके ऐसे कुछ बोला मुझे, 500 रुपये में। तो बहुत ही सुंदर है, आपको थोड़ा खोल के दिखा देता हूँ, यहाँ देख सकते हो देखो ये सर कवर करने वाला मिलता है ना एक, सब लोग ब्लैक लगाते हैं, यहाँ पे रंगील वाला है, और दिखने में बहुत सुंदर लगा मेरे को ना, क्योंकि ब्लैक में ही है मगर पीछे इस तरह से स्ट्रेट दिया हुआ रंगील वाला। 1200 ओनली, वगैरह सारा Amazon में, सिर्फ इसका ही प्राइस आपका 1200-1300 है। किसको लेना था जो टूर करता है, जिसका विंड ब्लास्ट का प्रॉब्लम है ना, जो लॉन्ग ड्राइव करता है उसके लिए बहुत जरूरी है, तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। इंडिया में सब भैया सबसे कम दाम में दे रहा बोला हाइड्रोलिक ब्रेक, जिसको भी लेना है ना बाइक पे, तो आप लोग इधर आ जाना शॉप में, आप लोग चेक कर लो कितना सुंदर है। मेरे फर्स्ट टाइम देखा है सब चीज़, मुझे ये साल में एक लाइट जलने लगा मिलता है, मुझे वो लेना था सो के लिए। ओके गाइस तो मेरा सामान ले चुका हूँ, मुझे लेना था मैंने ले लिया, तो ये फिट करेंगे, एक फिट करके जाऊँगा सोच रहा हूँ। मुझे फोन होल्ड करने के लिए ना, अगर पॉकेट में होता है उसको निकालो फिर देखो लोकेशन, बहुत ही मुश्किल होता है, तो अभी फ़ोन में लगा दूंगा ना तो बहुत ईजी होगा बाइक चलाने के लिए ना, ये सब चीज़ बाइक चलने का बहुत ही जरूरत होता है, तो आज यहाँ से लेके जा रहा हूँ। और नेक्स्ट बार तो भैया कम कर देना है ना। ओके आप लोग ये सब का नाम दिखा दूंगा बाहर से, आके आप लोग शॉपिंग कर सकते हो बाइक का, कुछ भी एक्सेसरीज है। तो भैया यहाँ पे मेरे को थोड़ा गार्ड दिखा रहा है जो मुझे लेना था ना, तो यहाँ का क्वालिटी भी एक बार चेक कर लेता हूँ। पेंट का क्वालिटी वगैरह देखिए, बस पेंट का क्वालिटी देख लो बोला भैया ने, लाइट में आप लोग अच्छे से दिख रहा होगा ब्लैक वाला, ऐसा ही पाउडर कोटेड रहेगा ये।
इसको पाउडर कोटेड बोलते हैं। आपका ये क्या होता है ना, मेन पाउडर कोटेड रहने से वो रस्टिंग, वो पपड़ी जो निकलता है ये पपड़ी वगैरह नहीं निकलेगा। ओके भाई चलता हूं, चलो बाय, मिलेंगे दोबारा। ओके गाइस, तो मैं यहां पे आया हुआ था, आपको शॉप का नाम दिखा देता है ना, तो यहां चेक कर लो मोटो बोन। तो आप यहां पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है ना, तो यहां कॉन्टेक्ट करके आप लोग आ जाना। ये कुछ इस तरह का सालबाड़ी का लोकेशन है। यहाँ पे मैंने वो यहाँ से खरीदा हो ना, मैंने यहाँ पे होल्डर ना, मोबाइल होल्डर लगाते हो? हाँ, हाँ मेरे पास है। ठंडा है तो क्या होगा ठंडा होने से? एसी में रखा हुआ था क्या? हाँ तो क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? ना। तो आप ऐसा देख रहे हैं जैसे कुछ प्रॉब्लम है? ओ हाँ ठीक बोला। नॉट नहीं है, एक नॉट नहीं है जी, कोई एक नॉट नहीं है। मैं लेके आता। आप कॉन्टेक्ट है उधर पे क्या? आपको कॉन्टेक्ट है क्या उसके साथ? ये काम ही है करते हैं। हाँ। तो है वो आगे हेलमेट दुकान। हाँ। आप लोग करते हो? बाइक का नट छूट गया था। नट नहीं है। हाँ। आपको पसंद है बाइक? बाइक पसंद है? चलाना। हाँ तो काम ही हुए दिन रात बाइक ही में। खाली एक तो ये लिया। हाँ ये लिया, और हाथ का वो लिया ना मैंने। हो गया तो फाइनली अपने ये मोबाइल होल्डर इसमें लग गया। मैं बहुत दिन से ये ढूंढा था, लगाऊंगा बोले कौन सा लगाऊँ सोच रहा था। फाइनली इधर मुझे अच्छा क्वालिटी वाला मिल गया था। तो अभी चलेंगे, किस तरह कैसा लग रहा है अपना बाइक का ये? वाह है ना। अभी जैसे मोबाइल होल्डर लगाया है ना, अभी इसका क्या बोलता है मॉडिफिकेशन काम शुरू करेंगे हम जल्दी। मेरा अगर मेरा बाइक का गार्ड आ गया ना तो उसके बाद शुरू करूँगा सोच रहा हूँ। चलो निकलते हैं। अब हो गया अपना मोबाइल होल्डर लग गया, अच्छा लग रहा है। देखा अभी कुछ भरा भरा लग रहा अपना बाइक भी अभी है ना। आंटी जी बच्चा लोग स्कूल छुट्टी भी हो चुका है अभी, स्कूल चले हम। तो फाइनली अपना बाइक का मॉडिफिकेशन शुरू हो चुका है ना। तो आपको मैं थोड़ा यहाँ रुकता हूँ, आपको मैं इसमें मोबाइल होल्ड करके दिखाता हूँ। तो इसको पहले लूज करना है ऐसा करके, है ना, और घुसाना और हो गया। तो ये खुल गया है, इसको घुसाओ बढ़िया से, उसके बाद इसको टाइट करो। घुमाने वाला है ना इसलिए हिल रहा है, और तो सब बढ़िया है। देखो आराम से, आपको कुछ लोकेशन चेक करना है। अब मेरा आ गया फोटो है ना, अब चला के देखते हैं बाइक। और आपको कुछ लोकेशन चेक करना है ना कहीं जाने के लिए, आराम से ऐसा खोलो मोबाइल में, किसको फ़ोन करना है ऐसा खोलो, कान में बात कर लो। पहले बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, रुक रुक के मोबाइल चलाना पड़ता है ना, अभी वो तकलीफ नहीं है। तो पहले क्या था कि मुझे रोक रोक के मोबाइल खोलना पड़ता था पकड़ से निकाल निकाल के, है ना। तो अभी रोकने की जरूरत नहीं, अभी आराम से मोबाइल यहाँ से चला सकता हूँ मैं। बाइक कैसा लग रहा है देखो भाई, कहाँ तक? चलो चलो चलो। ओके भाई बाय। एक भाई ने लीप मांगा था तो भाई को लीप दिया था। ओके तो मैं घर पहुंच चुका हूँ, थक गया बहुत है ना, गर्म से आया था। और यहाँ चिकरा खाने लिए अपना बाइक में मोबाइल होल्डर लग चुका है। या सही लग रहा है ना। अभी एक धीरे धीरे करके सब कुछ लग जाएगा बाइक में, गार्ड उड लगाना है, सब कुछ लगाना है मेरे को, है ना। अभी हाथ का चीज लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को। चलो घर अंदर निकलते हैं, खाना ना खाना है ना, थक गया बहुत, पानी भी बहुत प्यास लग रहा है। पहली बात तो चेक करो, मैंने अभी खरीद लिया थी 100 रुपये का खरीदा मैंने, और मोबाइल होल्डर 400 रुपये का। तो सबसे कितना 500 रुपये मैंने दो चीज खरीद के लाया था। मोबाइल होल्डर आप लोगों को दिखा दिया होगा मैंने, तो ये देखो अब क्या है कि यहाँ से ना, अभी तो मैंने हाफ गंजी लगाया और हाफ टी शर्ट लगाने से ना, तो इतना तक कवर कर लेगा और यहाँ पे ये कवर कर लेगा, तो हाथ काला नहीं होता है, इसलिए मैंने खरीदा। आप लोग भी खरीद लेना ऐसा बहुत जोर देता है। अगर आप लोग बाइक या स्कूटी चलाते हो ना, हाफ टी शर्ट लगा के, फुल टी शर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे आज मैंने फुल टी शर्ट लगाया होता है। अगर हाफ टी शर्ट लगाते हो तो ये सब चाहिए, सही लग रहा है। अभी जैसे लग रहा है बास्केटबॉल खेलने जा रहा हूँ, वैसे मैं राइट में खरीदा ऐसा वैसे।